हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह का दिन है, हम लोग कल रात को बहुत ज़्यादा लेट आए थे और फिर सो गए। उसके बाद करीबन 2 बज गए थे हमें सोते सोते और अभी जल्दी उठ गए हैं सुबह, क्योंकि आज है हल्दी का फंक्शन और हम लोग को जाना है। सो सब लोग रेडी हो रहे हैं, आप तैयार हो गए? मम्मी अपनी ज्वेलरी पहन रही है अभी, अभी पूरा लुक मैं बाद में दिखाऊँगी जब मम्मी तैयार हो जाएगी। और मुँह कितना सूझ रखा है ना। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने फटाफट से, उसके बाद कपड़े पहनती हूँ और फिर मैं भी रेडी होती हूँ, क्योंकि हम लोग लेट हो ही गए हैं और हमेशा की तरह लेट हो ही गए हैं हम लोग। कितना भी जल्दी कर लो, कितना भी तैयारी कर लो, पर कुछ ना कुछ करके लेट हो ही जाता है। सो अभी मैं जाती हूँ फटाफट से नहाने और उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैंने पहना है रेड एंड ग्रीन कलर का ये बनारसी लहंगा, जो कि है मेरी मदर इन लॉ का। मम्मी ने हमारी शादी में पहना था और मैंने इसको पेयर अप किया ग्रीन कलर के ब्लाउज़ के साथ। ये मैंने मीशो से लिया था ब्लाउज़ और काफ़ी अच्छा फैब्रिक निकला इसका और प्राइस भी अच्छा था। सो ये रहा मेरा आज का आउटफिट, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने कोई गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनी है, बस हाथों में ये पौंची पहनी थी। जितने भी मेरे सारे गोल्ड की ज्वेलरी है वो लॉकर में है, एंड एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पे मम्मी पापा नहीं है, तो मम्मी पापा के लॉकर में ही थी। सो मैं नहीं पहन पाई। तो मेरी तरह और भी सब रेडी हैं, तो चलो चलते हैं हल्दी फंक्शन के लिए, आ जाओ। 1 2 3 पीछे कितने लोग? 4 7 जने एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। हाय बोलो, हाय पीछे वालो। मैं मम्मी और मैं कैसे फंसे हुए हैं ना। क्यों मम्मी? नो कत्ती, मम्मी कह रहे हैं बिना नथ की अच्छी लग रही हूँ, ठीक है ना। मम्मी को नथ की जरूरत नहीं थी। भाभी के नाक से बोलती है, नथ तो नाक में पहनी है ना। जब भी जाना होता है ना, ये फाटक बंद ही होता है, पता नहीं क्यों। आवाज आ रही है, पूजा हो रही है। अभी हम टाइम पे पहुंच गए, हमें लगा था हल्दी शुरू ना हो गई हो। नाश्ता चल रहा है, यहीं पे इतनी भीड़ हो रही है, मुझे लगा यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है, लगा पानी लगा होगा। तो अभी यहाँ पे चल रही है गणेश पूजा और इसके बाद होंगे हल्दी हाथ। बताओ आज भी कह रही आप किससे मैच कर रहे हो? बताओ आप किससे मैच हो रहे हो? हाँ, मामू से, मम्मी से, मामी से, और किस शादी किसकी है? मामू की। अरे वाह, रात को कुछ भी नहीं खाया, वहाँ से भूखी है तेरी। हाँ तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट और भाभी ने ना एकदम बिल्कुल वीडियोग्राफर वाले भैया का काम किया है। जब शादियों में लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो उनकी प्लेट के सामने आके वीडियो बनाते हैं ना, वैसी भाभी करती थी। तो हम सब आ गए हैं छत पे, क्योंकि जो हल्दी का फंक्शन है वो छत पे ही होने वाला है। और देखो सबके सब बने हैं येलो येलो प्रिटी फेलोज। तो यहाँ पे पंडित जी, जो हमारी 5 कन्याएं होती है जो पहले हल्दी लगाती हैं, उनको मौली बांध रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी हल्दी लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन जो भी हैं, उसके बाद जो 5 कन्याएं होती हैं वो हल्दी लगाती हैं, और उसके बाद बाकी के रिश्तेदार और पड़ोसी और दोस्त जो भी हैं।
और ये आ गया है हमारा फेवरेट पार्ट डांस का। तो शादी ब्याह में डांस से ही पता चलता है कौन कितना खुश है और कौन कितना एंजॉय कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। कैसे पोज बना रहे हैं। तो अभी हल्दी हो गई है और इसके बाद होगी पूजा जब दूल्हा स्नान करेगा। तो अभी हम बाहर फोटोज क्लिक करवा रहे थे यहाँ पीछे बैकग्राउंड में। अब चलते हैं अंदर, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप लग रही है। आ जा थोड़ा सा लगा दे, आंखें साफ हो जाएंगी। नजर न लगे मामू है, मामा को बुलाओ, भाइयों को बुलाओ, डीजे भी उठा लेते हैं वैसे, भाई मामा दूल्हे मियां को, दूल्हे मियां को उठाना है, जो उठा पाए उठा लो। हाँ, दो जीजा उठा लो मिलके। जीजा जी, ये आपका फर्ज बनता है। मेरे पैर में चोट लगी है। अच्छा, मेरे ब्याह पे मेरे बड़े भैया भाई तो चलेगा ना, अपना फर्जी तो हमारे पर डाल रहा है। बहुत चलो चलो, उसको छोड़ दिया अपने आप को, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर भैया, आराम से। हाँ, पानी क्या बताऊं, कुछ भी बता दे, वही टिका रहता है कैमरे के आगे जिसे पोज बनाना आता है। सही बात है, वरना हां वो तो 2 घंटे और टिका, वरना वो तुझे बोलेंगे तुम हटो, नेक्स्ट तुम हटो। देख फोटो सेशन करवा रही है। चलो दी है दीदी, दीदी को बोल, उसके दोस्त है वो सारे। तो मैं भी तो दीदी हुई ना फिर। तो तुझे क्या बोला, आंटी बोल दिया था क्या? कुछ भी बोला उन्होंने मुझे। देखो दीदी बोला तो मेरे तक हो गया, दीदी तेरी दीदी तो मैं हूं। हां और इसके दो बच्चे भी हैं, इसके दो बच्चे भी हैं, बड़े बड़े, वो भी बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं है। तारीफ की मैंने तेरी, जीजू के साथ करवा दीजू। जीजू अरे जीजू को पता था कि मुझे साले को उठाना है, तो पहले ही बोल दिया मेरे पाँव में चोट लगी है। चलो जरा पोज बनाओ, ऐसे करके तो मम्मी लोग जीजू शादी वाला दिन याद करके हम शुरू हो जाओ। अरे शादी वाले दिन भी नहीं खींचे, तू बताए ना पोज, सब चले। हाँ ये वाला नहीं, आप दीदी की आंखों में देखो, आप दीदी की आंखों में देखो, आप दीदी की आंखों में देखो भाई। हाँ यार जीजू, तुम ही तो बोलो दीदी, दीदी साली की आंखों में नहीं, बीवी की आंखों में। पकड़ो ऐसे कमर से पकड़ो उसको, आपकी बीवी है, कल भी बताया। अपनी बीवी पकड़ के समझना ना, समझ मतलब समझ गया ना। ऐसे भी है उनके जो नेचुरल कौन सा है। भाई बोल भी तो, भाई बोल, पहले बोल बोल भिक्षा, नहीं एक बार और बोल, जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। जितनी बार लेगा उतनी बार बोलना पड़ेगा। आशी आ जाओ बेटा, जाओ ऐसा मार के ठेकेदार आ गया। आशी बोलो, शाम दे माई, अब जोर से क्या सुनाई नहीं दे रहा। अरे पियो थोड़ा सा, नहीं कर
इधर देख, इधर सामने देख। तो कितनी बार देते हैं? बस बस एक ही बार। एक ही बार देते हैं। एक बार फोटो खिंचाते हैं ना? ज्यादा ले ले तो, ज्यादा ले ले हम सही हैं। दो बार का मजा पड़। महंगा का जमाना है, एक ही बार मिलता है। भाई इसका से ठक ठक ये बिक जा दे। बस मुझे बोला मैंने भिक्षा दे नहीं लग रही है पर मॉडल मॉडल ये भरा भरा रहे हमेशा कभी खाली ना इसलिए देते हैं पता है तुझे इसलिए जोर से बात आशीर्वाद मिल रहा है तुझे जी में भरी रहे जीजू आप भी दोगे जीजू आपको थोड़ा बड़ा लाना चाहिए था यार गिर मत जा जीजू आपको नोट लाना चाहिए था डाल दो किरामत देना इतना बड़ा थोड़ा सा बड़ा मामा किसमें डाल दो टाइट से पकड़ना भाई भारी हो गया भारी हो गया बस चलो और कोई रह गया सही है ना पगड़ी अच्छी लग रही है हरिओम नारायण देखो ऐसे लगा लो है वीडियो है सुबह से दिन हो चुकी है और मंगल स्नान हो गया हल मतलब जो हल्दी आता था वो हो गया पूजा हो गई आरती हो गई सहरा बंदी भी हो गई दूल्हे की और अब हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने खाना खाने और थक गए मेरे कान भी दर्द हो रहे हैं पता है इतना ही सारी फ़ोटो शूट कराया ना आज हमें मज़ा आ गया कूल फोटोग्राफर कूल पंडित जी सब कुछ कूल था और हम तो आई कूल अब हम लोग जा रहे नीचे खाना खाते हैं बहुत भूख लग रही है मैंने लिए चावल पापड़ दाल सैलेड आलू की सब्जी और ये है अच्छा तो भाभी हमें देख के इग्नोर करेंगे क्योंकि भाभी नहीं खा सकती है भाभी इग्नोर मत करो मुझे हम खाएंगे अपना भोजन अब हम जा रहे हैं घर हमने कर ली पेट पूजा तो हम घर निकल रहे हैं और हमें लेने आए हैं जीजू फिर से हमें गाड़ी में ऐसे ठूस ठूस के जाना पड़ेगा क्योंकि एक ही गाड़ी अभी हमारे पास आ रहा है और हम इतने सारे लोग हैं मैं फिर से आगे बैठूंगा ओ गॉड चलो अंदर अंदर किसको सब सब पीछे बढ़िया यूनिशी बेबी चलो 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 अंदर जब हम जा रहे थे रोड तक आया हमें छोड़ने चल मेरा बच्चा आजा खाना दूंगी तुझे चलो चलो गुड बॉय तो हम लोग पहुंच गए हैं घर बॉयज हम तो शादी में गए थे हमने गोलगप्पे खाए आइसक्रीम खाई गुड़िया के बाल खाए आज वनीला थी चॉकलेट थी और पाइन एप्पल थी ब्लैक करंट भी थी आज वहाँ अच्छा खा भी चुका है वो उसने चक्के ही मना कर दिया था उसे तुम्हारे पापा ने कहा रेडी हो जाओ तुम लोग जा रहे हो चलो बेटा चलेंगे तुम अभी निकल जाओगे अभी निकल जाओगे चलो भाई तो हम लोग आ गए घर वापस और अब बस चेंज वेंज करते हैं बारात निकलेगी शाम को और बारात पे तो हम लोग कोई भी नहीं जा रहा है तो दीदी लोग भी अभी निकल जाएंगे घर क्योंकि उनको जाना है किसी शादी में और मैं भी किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पा रही हूँ बारात में तो अभी बस चेंज करते हैं और ये था हमारा आज का छोटा सा एक ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को डोडोज ब्लॉग को सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल और मेरा आज का लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाय बाय
सो फ्रेंड्स, बारात में तो हम लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन वहाँ की कुछ पिक्स हैं मेरे पास, मम्मी पापा लोग गए थे, सो मैं पिक शेयर कर देती हूँ। सो ये रही हमारी नई भाभी, सो कंग्रेचुलेशंस टू द न्यूली वेड कपल एंड वेलकम टू आवर फैमिली भाभी। सो मेरा ब्लॉग बिना पिक्स के कभी ख़त्म नहीं होता है, सो मैं कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ, सो इन्जॉय कीजिए एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।